हेलो दोस्तों, मैं धर्मवीर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल द टाइम्स ऑफ इंडिया पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मैथ की सीरीज जिसमें हम चार चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज होगा हमारा चैप्टर नंबर 5। दोस्तों, चैप्टर नंबर 5 हमारा एलसीएम और एससीएम होगा। दोस्तों, अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर वेट कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बस ये क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे। एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट इसका नेक्स्ट होगा। तो आइए चलते हैं एलसीएम एससीएम के बारे में। पहले हम एलसीएम और एससीएम के बारे में थोड़ा डिटेल में इसका बेसिक जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे। तो आइए देखते हैं एलसीएम और एससीएम होता क्या। एलसीएम और एससीएम को हम अपने शब्दों में काउंट करेंगे। देखते हैं पहले एलसीएम, मैं ज़्यादा डेफिनेशन नहीं लिखूँगा यहाँ पर, केवल मेन पॉइंट बताऊँ। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों, आप नोट कर सकते हो, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, केवल हमें समझना होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया और हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक। देख लीजिए इसकी परिभाषा क्या होगी, मतलब वह छोटी संख्या, लिख देता हूँ यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित या फिर कट जाए, विभाजित हो जाए। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे 6, 12 और कितना होगा हमारा 18। 6, 12, 18 इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 6, 12, 18 के एलसीएम देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब ऐसा नंबर देखना है जो 6 से भी कटे, 12 से भी कटे, 18 से भी कटे। एलसीएम मतलब वह छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब दी हुई संख्या कौन सी वाली, 6, 12, 18 इसकी बात कर रहा है। इसका जो एलसीएम आएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 12 से डिवाइड होगा और 18 से डिवाइड होगा। अब आपके माइंड में एक विचार आएगा, भाई छोटी छोटी बोल रहा है तो हम 6 ले लें। नहीं, छोटी छोटी बोल तो रहा है पर एक कंडीशन ये भी तो है, मतलब वह 6, 12, 18 से भी काउंट हो कटेगी ना कटेगी। तो देख लेते हैं, मान लो हमने 6 ले ली, चलो 6 ले लेते हैं, क्या 6 से कट जाएगा, हम भी कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, पहली छोटा है, जब 12 से कटेगा तो 18 से वैसे ही कटेगा। अब यहाँ अपने नहीं करेंगे, अब लेते हैं 18। अब भाई 6 से डिवाइड हो रहा है कि 12 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 18 से कट जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इस 18 को दोनों कर देंगे, कितना 36। अब देखिए ये 6 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है और 18 से भी कट रहा है, तो इसका कितना एलसीएम होगा 36। मतलब वह छोटा छोटा नंबर होगा संख्या में जो 6, 12, 18 से कटेगा वो कौन सा होगा 36। अब भाई हम ये बिल्कुल 72 भी 72 भी तो 72 है, वो भी तो 6, 12, 18 से कट जाएगा, पर वो क्यों लिया। अब दो होते ऑप्शन में, 36 और बहुत, अगर 72 36 और 72 अगर ऑप्शन में है तो आप कौन सा टिक करोगे भाई। 6 से भी ये देखो भाई, 6 इन संख्याओं से ये भी 36 कट रहा है और इन संख्याओं से ये 72 भी कट रहा है, तो क्या करेंगे हम, ये वाली नहीं, हमारी डेफिनेशन है छोटी छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। अब इसमें से आप चेंज करो, कौन सा 36 है 72 है, कौन सा हमारा 36, जो 36 संख्या है वो 6, 12, 18 से पूर्णतः विभाजित हो रही है। दोस्तों, पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसका एलसीएम कितना होगा 36। अब आप एलसीएम को समझ चुके हो, इसकी परिभाषा को और इसे कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आप ये डेफिनेशन जानते हो तो एलसीएम के बारे में पूरा बेसिक कवर है, इसका बेसिक क्वेश्चन नहीं कराएंगे। चलते हैं दोस्तों एससीएम पे, थोड़ा एससीएम के बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चनों पर आते हैं, देख लेते हैं इसके एससीएम के बारे में, उसमें भी थोड़ा हम डिटेल्स जानेंगे संक्षेप में। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो अब एससीएम देखेंगे, जस्ट उसका उल्टा हुआ, अभी हमने एलसीएम पढ़ा था, अब एससीएम देखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्या, लिख लेते हैं, वह बड़ी से बड़ी
संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। मतलब वह बड़ा सा बड़ा नंबर देखना है जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे ले लेते हैं 6, 12 और 6, 12 और ले लेते हैं 6, 12, 18। अब ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो 6, 12, 18 को पूर्णतः विभाजित करते हैं। वहाँ क्या हो रहा था, जो हमारा संख्या ही वो उसे विभाजित कर रही लासा को। यहाँ उल्टा होता है, जो मासा होता है ये संख्याओं उल्टा विभाजित कर संख्याओं को विभाजित करता है। जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है, जब जहाँ विभाजित कर रहा है और वहाँ विभाजित हो रही थी। अब देखेंगे बड़ी से बड़ी बात कर रहा है 6, 12, 18। अब ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है एक जो 6 को भी डिवाइड कर दे, 12 भी कर दे और 18 भी कर दे। तो यहाँ 6 उठा लेते हैं। अब देखो 6 ऐसा है 6, 12 को कर रहा है और सॉरी 6, 6 को कर रहा है, 12 को कर रहा है और 18 को कर रहा है। तो मतलब इसका मासा कितना हो गया 6। अब मान लो ऑप्शन में ऐसे दे रखा हो तुम्हारा 2, 3 और 6, तब आप किस पर टिक करते भाई। अब देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। देखो 2 से क्या ये 3 डिवाइड हो रही है पर क्या है छोटी है। अभी चलते हैं आगे 3 से 3 डिवाइड हो रही है पर क्या है छोटी है। 6 देख लेते हैं भाई 6, 12, 18 ठीक ना 6। अब 6 से बड़ा ऐसा कोई नंबर ना है इन्हें काट दे। 6 के बाद 12 आएगा 18 आएगा, 6 से बड़ा कोई नंबर ही ना है क्या इन्हें काट दे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 6। तो इसका एससीएफ कितना हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया, मतलब 6, 12, 18 का ऐसा कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कितना हमारा 6 जो इन्हें काट देगा। ये हमारे दोस्तों एलसीएम एससीएफ आप समझ चुके हो। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन पर दोस्तों। इसको जो ट्रिक है इसकी हम पहले ही बता चुके हैं आपको। अगर आप ट्रिक देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर प्ले स्टोर में वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है आज हम इसे कवर कराएंगे। तो हम वही क्वेश्चन कवर कराएंगे जो अधिकतर एग्जाम पूछे जाते हैं आने वाले आगामी एग्जाम पर और पूछे जाएंगे पैटर्न पर, उस पर सिलेबस पर आधारित होंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, पी बराबर 2^3 × 3^10 × 5, क्यू बराबर 2^5 × 3 × 7। तो एलसीएम कितना होगा इस क्वेश्चन में, हमें एलसीएम फाइंड करना है। इसी क्वेश्चन में वो एलसीएम फाइंड करा सकता है। तो दोस्तों केवल इसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं एचसीएफ। अभी हमने आपको एचसीएफ की डेफिनेशन बताई है, वह बड़ा सा बड़ा नंबर जो दी हुई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। अब देखते हैं भैया नंबरों जो नंबर दे रखे हैं वो घात में दे रखे हैं। जो एचसीएफ सवाल बनेंगे हमारे वो वेरिएबल और इंटीजर दोनों हो सकते हैं और घातों हो सकते हैं, भिन्नों पर हो सकते हैं और सिंपल हो सकते हैं नंबरों में हमारे। तो देखते हैं अधिकतर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है। तो आइए चलते हैं देर न करते हुए। P बराबर इतना और Q बराबर इतना, तो एचसीएफ होता हमारा। आप इसमें देखो कॉमन देखेंगे जब भी घातों की बात करें तो हम मतलब ज़्यादा इस पर चर्चा करेंगे। जब भी घातों की बात करें तो कॉमन देख लेते हैं। जो कॉमन नंबर होते हैं पहले देखेंगे 2, 2^3, अब यहाँ 2^5 है तो दोनों के पास 2^3 कॉमन है। तो 2^3 लिख लिया हमने कॉमन वाला। अब 3 देखेंगे यहाँ 3^10 है और यहाँ कितनी 3 है, 3^1 है तो कॉमन कितना हमारा 3^1, तो 3^1 कॉमन लिख लेंगे। अब 5 देखेंगे क्या 5 इसके पास है, भी है इसके पास 5 नहीं है। अब इसके पास 7 है पर इसके पास 7 नहीं, तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 2^3 × 3 इसका क्या होगा हमारा एचसीएफ होगा। ऑप्शन होगा तो हम टिक कर देंगे, ऑप्शन को नहीं लिख रहे हैं अब, हम केवल सवाल को बता रहे हैं। ऑप्शन होगा जिसमें आपको ऑप्शन की जरूरत होगी, ऑप्शन कराने की जरूरत होगी, उस सवाल में आप ऑप्शन प्रोवाइड कराएंगे। और दोस्तों वीडियो को पॉज करके हम क्वेश्चन लिखते हैं। अगर हम इसमें यहाँ क्वेश्चन लिखने लग गए तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इस वीडियो में 4 या 5 ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे, तो इसलिए हम क्वेश्चन को पहले ही लिखते हैं और लिखने के बाद उस क्वेश्चन को समझाते हैं, जिससे कि स्टूडेंट का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो सके, क्योंकि टाइम की बहुत ही वैल्यू है दोस्तों। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए चलते हैं नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पर देख लेते हैं। एक भिन्नों वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। 2/3 फ्रैक्शन दे रखी हमारी,
एक बट दो, दो बट तीन, बट चार, पाँच बट छः, सात बट आठ, नौ बट दस। जब भी दोस्तों फ्रैक्शन होते देखो, अगर एचसीएफ निकाले ये एलसीएफ निकाले, दोनों ही सवाल पर हम अप्लाई करेंगे, तो पहले एचसीएफ को याद कर रहा है। जब यहाँ पर एचसीएफ दे रखा हो तो आपको अंशों का एचसीएफ निकालना है और हर का एलसीएफ निकालना है। एचसीएफ अगर एचसीएफ की बात कर रहा है तो अंशों का शॉर्ट में लिख देते हैं एचसीएफ, और हरों का LCM। जब भी एचसीएफ निकाले भिन्नों को, फ्रैक्शन का अगर हम एलसीएम निकालते हैं तो ऊपर अंशों का एचसीएफ और हरों का एलसीएम। अगर यहाँ होता हमारा एलसीएम निकालते हम तो अंशों का क्या होता हमारा एलसीएम और हरों का एचसीएफ। दोस्तों जस्ट इसका क्या होता, उल्टा होता HCF। तो इस सवाल को पूछा है भिन्नों का क्या पूछा है इसने, फ्रैक्शन का HCF पूछा है, तो ये वाला टिक करेंगे। बस सिंपल से याद रखना है सब, हमें ये फॉर्मूला केवल मैं आपको दिखाने के लिए, मतलब हम लिखा समझने के लिए, जैसे कि अच्छा समझ में आया, केवल हमें इसे याद कैसे करना है हमें। HCF पूछा है तो अगर सवाल में HCF पूछा है तो अंशों का HCF मतलब मासा, और अगर सवाल में लासा पूछ रहा है तो अंशों का क्या लासा और हरों का मासा। सिंपल सी बात है। अब देख लेते हैं सवाल को, इस सवाल देख लेते हैं क्या एचसीएफ पूछा है इसमें। देखिए हरों का मासा एक तीन पाँच सात नौ, इसका मासा। अब एक बात और नोट करेंगे, जितनी भी अभाज्य संख्या होती हैं, जितनी हमारी अभाज्य संख्या होती हैं उनका मासा कितना होता है, मासा एक होता है। अगर लासा की बात करता है तो लासा उनका गुणनफल होता है, अभाज्य संख्या और मासा एक होता है। कितनी देखो तीन, एक तीन पाँच सात नौ, ये क्या है, सभी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को क्या है दोस्तों, ये एक हमारा अभाज्य नहीं है, वैसे अभाज्य में काउंट नहीं होता है, पर यहाँ पर सवाल कर रहे हैं तो एक को कोई मतलब है हमारा, क्योंकि एक तो एक से, जब एक मासा है तो एक से कट जाएगा हमारा। एक तीन पाँच सात नौ, इसका मासा कितना होगा एक। अब नीचे हरों का क्या लेना है, लासा दो चार छः आठ दस, देख लेते हैं इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, बारह उठा लेते हैं। नहीं कोई बात नहीं, यहाँ कर लो ऐसे दो चार छः आठ दस कर लीजिए, दो से काट लेते हैं, दो बार क्या दो तीन चार, दो तीन छः, दो छः आठ, दो पंजे दस, काट लो यहाँ पर दो एकम दो, नहीं यहाँ तो कट गए दोस्तों ये, और दो एकम दो, और तीन उतालिया दो दिन चार और पाँच। अब देखो दो से कटेगा, तीन से कटेगा, पाँच से कटेगा, गुणा कर लें यहाँ पर, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ तीन चौबीस, चौबीस पंजे एक सौ बीस, कितना आ गया एक सौ बीस। वैसे हम ट्रिक्स निकाल सकते हैं पर हम क्या ट्रिक्स नहीं कर रहे हैं दोस्तों, केवल सवालों को हम समझ रहे हैं। दो चार छः आठ दस, इनमें ऐसा नंबर कौन सा है जो सबसे छोटा नंबर जो इनसे कट गया है, तो कौन सा है एक सौ बीस। अब 120 से छोटा नंबर नहीं है जिन्हें काट, आप चाहें देख कर सकते हैं 120 से बड़े तो हो सकते हैं, कितना 240 हो सकता है और भी हो सकते हैं, पर 120 से छोटा नंबर नहीं है, क्योंकि इसका ये क्या है हमारा जो अंतिम नंबर होता है वो क्या हमारा एचसीएफ होता है, वो सॉरी एलसीएम, एलसीएम निकाला है ना अंशों का, तो अंशों का हमारा क्या आएगा, हमारा एचसीएफ आ गया, हरों का एलसीएम। तो सबसे छोटा नंबर 120 है जो इन संख्याओं से कट जाएगा, और बड़ा नंबर इससे बड़े नंबर होंगे, पर जब लासा ही बात करता है तो छूटा लेंगे, तो इसका आंसर कितना होगा एक बटे बीस। अगर क्या होता हमारा एचसीएफ होता तो अंशों का क्या लेते हम, लासा लेते और हरों का मासा, जस्ट इसका उल्टा कर देते, पर संख्या देखते संख्या क्या आई वो आप कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीन पर, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन क्या होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीन, उस सबसे लंबे फीते की लंबाई क्या होगी जो 7 मीटर और 3 मीटर 45 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 55 सेंटीमीटर को ठीक ठीक नाप पे। दोस्तों अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ तो एक फीते दिया है, अगर दूध बोलता किसी लिक्विड को बराबर नापने की बात करता तो क्या निकालते हम एचसीएफ। जब भी किसी चीज़ को या किसी डंडे को वो टुकड़ों में विभाजित करना चाहो, मतलब या किसी मतलब जो बच्चों की पंक्तियों को जब हमारे रेजिमेंट की पंक्तियों को बांटना चाहे तो वहाँ क्या निकालना है, मासा निकालना है। तो देखते हैं
एक सवाल के माध्यम से हम सभी सवालों को बीट कर सकते हैं, ज़्यादा सवाल करने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक बराबर मापनी बात करता है, तो केवल हमें SCF फाइंड करना है। तो आइए चलते हैं SCF फाइंड करते हैं। तो पहले दोस्तों इसकी इकाइयां बराबर करेंगे 7 मीटर, क्योंकि हमारा किस मीटर का है, सेंटीमीटर। पहले आंसर देखेंगे, आंसर इकाई चेंज, इकाई जब चेंज करना पहले आंसर देख लेना, आंसर सेंटीमीटर मीटर में, आंसर हमारा सेंटीमीटर, तो सभी इकाइयां हमारी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। देख लेते हैं कुछ इकाइयां मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में, तो सभी को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो आइए 7 मीटर, 7 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 700 हो गया, 385 और 1295। अब ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो इन दी हुई संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, बताइए। क्या 37 है भाई? 37 नहीं है। देखो 37 क्यों कटेगा ना, क्योंकि 0-5 आ रहा है लास्ट में, 37 को कटने को चांस ही ना है। ऐसे सवालों को हम भाग विधि से कर सकते हैं, इसे ट्रिक से भी करते हैं, पर क्या ऐसे सवालों को अधिकतम ऑप्शन से करेंगे? ऑप्शन से कैसे करेंगे? अब यहाँ देख लेते हैं, 37 तो होगा ना। अब 11 कटने में क्या होता है, सम स्थान और विषम स्थानों का योग 0 या ऐसी संख्या जो 11 से कट जाए, तो देख लेते हैं भाई यहाँ तो कोई चांस ही ना, या 8 हो रहा है, पर भाई 11 से ये तो कटना रहा, 11 से बह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबसे कटनी चाहिए, भाई ये तो चलो ये तो 11 से कट जाएगा और ये नहीं कटेगा 11 से, ये दोनों नहीं कटेंगे, तो 11 ये ऑप्शन तो कैंसिल होगा हमारा, ये भी कैंसिल होगा। अब दो बचे 35 और 20, देख लेते हैं 20 से ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1295 20 से नहीं कटेगा, तो हमारा 20 भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन 35 बचा, अब 35 देखो 700 डिवाइड होगा और 385 डिवाइड होगा और 1295 डिवाइड होगा, ठीक है। अपने विवेक का प्रयोग करके जल्दी से हम आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों इसका ऐसे कितना होगा, वो सबसे लंबा फीता कौन सा होगा जो सबको बराबर बांट दे, कौन सा होगा, 35 सेंटीमीटर होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, 35 सेंटीमीटर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत ही सिंपल है। क्या SCF मास फाइंड करना है, 0.1.08 0.36.9 का हमें मास फाइंड करना है। तो क्या देखेंगे, पहले पॉइंट के बाद दो नंबर है, पॉइंट के बाद दो नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद एक नंबर है, तो पहले हम नंबरों को पूरा करेंगे, 0.08 और 0.36 और 0.90। अब क्या है, इस थोड़े देर के लिए हम पॉइंट को थोड़ा इग्नोर कर देंगे। अब देखेंगे ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर कौन सा है जो 108, 36 और 90 को पूर्णतः विभाजित करते हैं, तो कौन सा होगा हमारा, कौन सा होगा, 18। दोस्तों देखो 18 से 108 भी कटेगा और 18 से 36 भी कटेगा और 18 से 90 भी कटेगा। अब जो पॉइंट है कितने नंबर के बाद है, दो नंबर पॉइंट है, तो दो नंबर का पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट 18 आपका क्या होगा, SCF होगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर, बहुत ही सिंपल था, पॉइंट को बराबर कर देंगे, जैसे हम इसका SCF निकालते हैं वैसे इसका SCF हम फाइंड कर देंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 4, 5 शेष बचे। तो करना क्या है, ऐसे सवालों में जो शेष बचे हैं लास्ट में 3, 4, 5 कुछ भी दे रखो, तो दी हुई संख्या में करना पहला काम क्या है, डाट हम टॉपिक को आते हैं, 411 लिखेंगे और 684 लिखेंगे और 821 लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसमें से 3 और इसमें से 4, इसमें से 5 को जो शेष बचे हैं हम उन्हें पहले ही घटा देंगे, उसके बाद क्या निकाल देंगे, उसका मासा निकाल देंगे। कितने बचे हमारे यहाँ, 409 और 680, यहाँ बचा हमारा कितना, 11 में से 5 गया तो 6 और 1 816। अब 409, 680 और 816 को ऐसी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या आप क्या निकाल देंगे, इसका मासा। इस सवाल के समझाने का मकसद यही था, केवल ये हमारा कंसेप्ट क्या, हमारा जो शेष दे रखे हो उसमें घटा देंगे और उसके बाद जो मासा है, जब आप जिसमें ट्रिक्स निकालना चाहते हो, जैसे भी आप निकालते हो वैसे निकाल लोगे, जैसे हमने बताया वैसे भी निकाल सकते हो और आपकी जो तरीका होंगे उसे भी आप निकाल सकते हो। तो इस सवाल को लाने का मकसद ये था हमारा, क्योंकि जो हमारा लास्ट में 3, 4, 5 दे रखा होता है वो शेष केवल घटाना। तो आइए चलते हैं इसका मासा देखते हैं, 409 और 680, 816 इसका दोस्तों मासा कितना होगा, हमारा 136 होगा। आप निकाल दे सकते हैं कितना होगा, 136 होगा।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से करें, ताकि दोस्तों आज के लिए क्वेश्चन इतनी काफ़ी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी आई है कि हमने एससीएफ और एलसीएफ की इसमें डेफिनेशन समझाई थी। जो अगली वीडियो आएगी उसमें केवल आपको डायरेक्ट क्वेश्चनों कराया जाएगा और जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट टाइम में क्वेश्चनों को लिख के हम करेंगे। अगर क्वेश्चन हम बोल के कराए हैं पहले और इसमें वीडियो में कराते हुए लिखें तो आपको वीडियो लंबी आएगी। एक क्वेश्चन में एक वीडियो मतलब एक घंटे की वीडियो में आपको 5 या 6 क्वेश्चन प्रोवाइड हो पाएंगे। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।